Hello and welcome back. I am leading an example from the topic sets, relations and functions. Question diya hai, use the vertical line test to determine which of the following relations are functions. So, hume determine karna hai, ye jo teen graphs hai, isme se kaun sa graph ek function represent karte hai, aur iske liye hume use karna hai the vertical line test. So, dekhte hai hum isme kaise aage ja sakte hai. Let us consider the first graph. अगर first graph हम consider करते हैं और यहाँ पर अगर हम vertical lines बनाते हैं, suppose ये एक line हमने बना दी, correct? Then let us draw a vertical line again over here, right? हम एक और vertical line बना लेते हैं, suppose यहाँ पे. तो ये जो vertical lines अगर आप देखेंगे एक ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, देखिए, राइट? तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आया, यहाँ पर भी एक ही पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट? सो ऑल दीज वर्टिकल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. इसीलिए ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. अब देखते हैं दूसरा ग्राफ, राइट? सेकेंड वाला ग्राफ देखते हैं वो फंक्शन रिप्रेजेंट करता है या नहीं. सो अगेन लेट अस ड्रॉ वर्टिकल लाइन हियर. सपोज ये हमने एक वर्टिकल लाइन बना दी, फिर एक और वर्टिकल लाइन बनाते हैं, सपोज यहाँ पर, राइट? लेट अस ड्रॉ वन मोर वर्टिकल लाइन, से दिस वन ओवर हियर. ओके, सो अगेन इफ यू ऑब्जर्व एट ईच इंटरसेक्शन आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है. देखो तो ये जो वर्टिकल लाइंस है इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, राइट? तो इंटरसेक्शन इज एग्जैक्टली एट वन पॉइंट. तो ये ग्राफ भी एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखते हैं थर्ड वाला ग्राफ. लेट्स सी द थर्ड ग्राफ. अगेन वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन हियर, देन चलो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं. लेट अस ड्रॉ वन मोर वर्टिकल लाइन इस तरफ एंड एक और ले लेते हैं. तो अगर हम देखें इंटरसेक्शन अगेन एक ही पॉइंट पर हो रहा है. देखिए यहाँ पर भी एक ही पॉइंट है, हियर ऑल्सो वन सिंगल पॉइंट. ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पर भी एक ही पॉइंट आ रहा है, राइट? सो अगेन वी कुड से दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन.